हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे बुक जिसका नाम है 17 एंटी प्रोकास्टिनेशन हैक्स, जिसे डोमिनिक मैन ने लिखा है। डोमिनिक एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर हैं जिनकी बहुत सी किताबें पब्लिश हुई। उनका मेजर फोकस इसी बात पर रहा है कि रीडर्स को उनके बेस्ट वर्जन बनने में मदद की जा सके, उनको ऐसे टूल्स देकर जो उनकी मदद करें उनके फुल पोटेंशियल और सफलता तक पहुंचाने के लिए, जो वो हमेशा से चाहते थे। ये एक ऐसी किताब है जिसमें वो लिस्ट दी गई है जो सबको आलसी बनने से रोकने में, काम को टालने और काम को पूरा करने में मदद करती है। काम को टालना कुछ ऐसा है जिसे सभी लोग रिलेट कर सकते हैं। ध्यान भटकना और बेकार के काम पर ध्यान देना बहुत आसान है। इस किताब में बताए गए तरीके अपनाकर आप अपने रोज के काम कर सकते हैं, साथ ही टालने के जाल से बच सकते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके लाइव बुक वर्कशॉप्स के भी बेनिफिट ले सकते हैं। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। तो चलिए फिर ऐसे 17 हैक्स के बारे में जानते हैं जिनसे आप कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे और सिर्फ आगे ही बढ़ते जाएंगे। इंटेलिजेंट पीपल प्रोकास्टिनेट मोर। आपको ये समझना होगा कि आप जितने समझदार होते हैं उतना ही आप खुद को टालता हुआ पाएंगे। अगर आप बहुत समझदार हैं तो आप किसी भी काम का नतीजा देख सकते हैं। आपको एहसास हो जाएगा कि ये बोरिंग या डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए आप उसे ऐसे काम से टाल देते हैं जो ज्यादा मजेदार हो सकता है। असल में जो लोग थोड़े कम समझदार होते हैं वो सीधे तौर पर काम करने में लग जाते हैं जो उनके सामने होता है, इसलिए किसी काम के बारे में ज्यादा सोचना उसको टालने तक ले जाता है। हालांकि इसका एक हल है जिसका नाम है नेक्स्ट एक्शन हैबिट। द नेक्स्ट एक्शन हैबिट ये टालने और उस एहसास से बचने का एक तरीका है जो आपको एक नया काम शुरू करने पर आता है। इसका मतलब यह है कि आपको किसी बड़े काम को छोटे छोटे काम में बांट लेना चाहिए। आपका काम बड़ा हो सकता है जिसमें घंटों लग सकते हैं, पर अगर आप सिर्फ पहले स्टेप पर ध्यान दें तो आप उस काम को ज्यादा तेजी से खत्म कर सकते हैं। आप आगे बढ़ने के लिए सिर्फ अगले कदम पर ध्यान दें और उसे करें। मोमेंटम इज की। प्रोडक्टिव लोग प्रोडक्टिव रहने की कोशिश करते हैं। ये लोग एक रफ्तार सी बना लेते हैं। वो एक काम शुरू करते हैं, फिर दूसरा करते हैं और करते जाते हैं। एक काम को पूरा करना और गर्व का एहसास आसानी से दूसरे काम को पूरा करने तक ले जाएगा। एक बार आपने शुरू कर दिया तो आपको कंटिन्यू करना आसान होगा। मेक अ टेस्टी टू डू लिस्ट। अपनी टू डू लिस्ट को मजेदार छोटे कामों से भर लें जिनको जल्दी से किया जा सके, जिसका मतलब है आप एक के बाद दूसरे को करके रफ्तार पकड़ सकें। ध्यान रहे, लिस्ट में सभी कामों का नेक्स्ट एक्शन होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, नए टायर्स को लेना लिस्ट में ना डालें। उसकी जगह लिखें टायर की दुकान पर प्राइजेस के लिए कॉल करना। इसके बाद नए टायर्स को बुक करना लिखें। अपना ध्यान इस पर लगाएं कि मैं अगला कौन सा कदम उठा सकता हूं, अगला एक्शन क्या होगा, फिर इसको करें। 2 मिनट्स रूल। ये रूल बहुत मददगार है। ये बहुत सी प्रोडक्टिविटी बुक्स में लिखा है और बहुत ही पॉपुलर तरीका है। अगर आपके सामने कोई भी ऐसा काम है जिसे कुछ मिनट्स में किया जा सकता है, या ऐसा कुछ भी जो 2 मिनट के अंदर किया जा सके, तो उसे तुरंत करें, उसमें देरी ना करें। अगर आपको एक ईमेल आता है जिसका एक लाइन में रिप्लाई करना है, तो उसे उसी वक्त कर दें। कोई भी काम जो 2 मिनट से कम में हो सके उसे तुरंत करें। मैक्रो गोल्स एंड माइक्रो कोट्स। अगला तरीका एक ऑथर के नजरिए से समझने की कोशिश करें। एक किताब लिखना ऐसा काम है जिसमें महीनों से लेकर सालों तक का वक्त लग सकता है। उत्साहित रहना मुश्किल हो सकता है, स्पेशली तब जब ऐसा लगे कि कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। एक नया तरीका है अपनी प्रोग्रेस को नापने का, और वो है 15 मिनट्स इंक्रीमेंट्स। किसी भी काम पर 15 मिनट तक काम करने पर खुद को एक जीत का एहसास कराना। आपको अपने कामों को ऐसे बांटना है कि आपको ज्यादा असरदार महसूस हो और साथ ही आपको लगे कि आप लगातार प्रोग्रेस कर रहे हैं। मैक्रो गोल्स सेट करें। अपने गोल्स और काम को बैलेंस करने के तरीके को ढूंढें। टाइम ब्लॉक्स। जब आप ये सोचते हैं कि कब, कहां और कैसे आप एक काम को पूरा करेंगे, तो आप खुद से एक कमिटमेंट करते हैं जिसे तोड़ना मुश्किल है। आप इस काम को हफ्ते में किसी दिन कर लेंगे, उसकी जगह आपको उसके लिए एक वक्त फिक्स कर देना चाहिए। ये टालने से बचने के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये डिसाइड करें कि आप काम कब करना चाहते हैं। सोचें कि वो कब से पेंडिंग है और उसे पूरा करने में आपको कितना वक्त लगेगा। इस काम को करने के लिए जरूरी वक्त को ब्लॉक कर दें। इसे फिजिकल या ऑनलाइन कैलेंडर में भी डाल दें। अपने वक्त के साथ थोड़े उदार रहें, क्योंकि कभी कभी कोई काम उम्मीद से ज्यादा वक्त लेता है। फाइनली, जब उस काम को करने का वक्त आए तो हर डिस्ट्रैक्शन को हटाएं ताकि आप पूरी तरह से उस काम पर ध्यान दे सकें। इंटरनेट ब्राउजर को बंद करें, ईमेल को बंद करें और फोन को साइलेंट कर दें। उस काम को करने के अलावा खुद को कुछ ना करने दें। बट इन द चेयर मेथड। ये तरीका 100% असरदार और सिंपल है। आपको बस इतना करना है कि कोई भी काम करने के लिए कुछ वक्त के लिए कुर्सी से चिपक कर बैठ जाना है। ध्यान रहे, कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, फोन साइलेंट करके बस काम करें। एयरप्लेन डेज। ये बात कितनी आम है कि लोग फ्लाइट्स, खासकर बिजनेस फ्लाइट्स में बेहद प्रोडक्टिव महसूस करते हैं।
लोग सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, जिसका सीधा सा जवाब है कि वहां कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है, ना ही वाईफाई, टेक्स्ट कॉल्स, मीटिंग्स, सिर्फ आप और आपका काम। उत्तम प्रोडक्टिव फील करने के लिए अपनी अगली फ्लाइट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आपका जब मन हो तब आप वैसा माहौल बना सकते हैं। ऑफिस से और बाकी सभी रुकावटों से एक दिन की छुट्टी लें, सभी डिवाइसेस को एयरप्लेन मोड पर डाल दें। आज आपसे कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगा और आप अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान देंगे। नोट करें, ये आपको पूरे दिन के लिए करने की जरूरत नहीं है, आप ये टेक्निक कुछ घंटों के लिए यहां वहां करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फायदा यही कि बिना असलियत में फ्लाइट पकड़े आप इसे जब चाहे कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन टू डू लिस्ट। ऐसा कितनी बार होता है जब आपको अपने काम के बीच में से कुछ करने का मन होता है, कुछ ऐसा जो आपके काम से जुड़ा नहीं है, कुछ ऐसा जो आपको भटकाता है और आपका ध्यान खींचता है। ऐसी चीज को करने की जगह एक ऐसी डिस्ट्रैक्शन टू डू लिस्ट बनाइए जिसमें वो सब आता है जो आप करना चाहते हैं। इससे आपको ये चिंता नहीं होगी कि शायद बाद में आप इसे भूल जाएंगे। जब आपका काम पूरा हो जाए तब आप अपनी डिस्ट्रैक्शन टू डू लिस्ट को खुलकर पूरा कर सकते हैं बिना आपके काम को रास्ते मिलाए। 10+2 × 5 मेथड। अगला तरीका आपके दिन को बांटने में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें 60 मिनट अलग से बैठना और अपने काम पर ध्यान लगाना आता है। सबसे पहले अपने कंप्यूटर, वॉच या फोन पर 10 मिनट का टाइमर लगाएं। 10 मिनट के लिए आप बिना डिस्ट्रैक्शन के काम पर ध्यान दें। जब 10 मिनट हो जाएं, तो सिर्फ 2 मिनट लें अपने मेल्स को चेक करने, फेसबुक देखने, एक ग्लास पानी पीने या कुछ स्ट्रेचेस करने के लिए। जैसे ही 2 मिनट हो जाएं, तुरंत अगले 10 मिनट के लिए काम पर बैठ जाएं। इस साइकिल को 5 बार दोहराएं और आप 60 मिनट तक अच्छे से काम कर पाएंगे। ये बीच के छोटे छोटे ब्रेक्स आपको रिफ्रेश और रिफोकस करने का मौका देते हैं। डेडलाइंस कैन बी पावरफुल। आप लोगों को याद होगा जब आप स्कूल या यूनिवर्सिटी में थे और पूरा असाइनमेंट एक ही रात में करते थे, हालांकि आपको उसके लिए पूरे 3 हफ्ते का टाइम मिलता था। आपको लगेगा ये कैसे मुमकिन है। यहां जो असली राज है वो है डेडलाइंस। या तो आपके हाथ में असाइनमेंट होगा या फिर आप फेल होंगे, और कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं होना चाहता, तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देते हैं और 3 हफ्तों का काम एक ही रात में पूरा कर देते हैं। एक बार हम इस एजुकेशन सिस्टम से निकल जाते हैं तो हम अक्सर ऐसे स्ट्रिक्ट डेडलाइंस का सामना नहीं करते हैं। आपको अपने लिए ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो डेडलाइंस का दबाव डाले। स्टॉप बीइंग अ परफेक्शनिस्ट। एनालिसिस पैरालिसिस एक साइंटिफिक टर्म है जो परफेक्शनिस्ट होने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और ये काम टालने के कारणों में सबसे ऊपर है। सब कुछ हर वक्त परफेक्ट चाहना बहुत आसान है, पर असल में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है। आप नए स्किल सीख सकते हैं, विकसित होकर बढ़ सकते हैं, पर फिर भी आप कभी परफेक्ट नहीं होंगे, और ये वक्त है इस बात को मान लेने का। प्रोडक्टिविटी के तौर पर कुछ ना करना सबसे बुरा है, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना ही अच्छा है। आपको सिर्फ शुरू करना है। हर चीज को परफेक्ट तरीके से करने की जगह आपको सिर्फ करने पर ध्यान देना चाहिए। एक बार आप अपना माइंडसेट शिफ्ट कर लें तो आप देखेंगे कि आप बहुत कुछ कर पा रहे हैं। कैन यू प्रोकास्टिनेट प्रोडक्टिवली। आप 100% टाइम प्रोडक्टिव नहीं हो सकते हैं, ये नामुमकिन है। हमारे इतने एफर्ट के बाद भी टालना एक ऐसी चीज है जिसे बचा नहीं जा सकता है। हम इसे पूरी तरह नहीं खत्म कर सकते हैं। हम अपने टालने को कम करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। एक और चीज जो आप कर सकते हैं कि टालें मगर प्रोडक्टिव तरीके से, ये सुनने में अजीब लगता है पर ये काम करता है। मान लीजिए आप किसी बड़े काम को घंटों से कर रहे हैं और आप अपना ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आप इसे टालने वाले हैं, तो काम को पूरी तरह से टालने की जगह अपना ध्यान वहां से हटाकर थोड़े आसान सिंपल काम पर लगाएं जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग की ताकत ना लगे। चाहे आप एक फोन कॉल अटेंड करें, कुछ मेल्स पढ़ें या सिर्फ अपने डेस्क साफ करें, इस तरीके से आप कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव ही कर रहे होंगे। विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन ऐसी चीज है जो हम सब करते हैं। हमें कैसी सफलता चाहिए उसके बारे में हम दिन में सपने देखते हैं, और कई बार फेलियर के भी। हालांकि बहुत ज्यादा विजुअलाइजेशन का रिजल्ट प्रोडक्टिविटी से ज्यादा टालना हो सकता है। खासकर आप अपने दिमाग को यह भरोसा दिला सकते हैं कि आप विजुअलाइजेशन से गोल्स को अचीव कर लिया है, पर यह आपको काम के लिए कम मोटिवेट करता है। तो आप इससे कैसे लड़ेंगे? सबसे पहले आपको सिर्फ सक्सेस को विजुलाइज करना बंद करना है। मतलब सिर्फ आखिरी गोल को विजुलाइज नहीं करें, बल्कि अपना ध्यान उन स्टेप्स को भी विजुलाइज करने पर लगाएं जो आपको रिजल्ट्स तक पहुंचाएंगे। कांट वर्सेस डोंट। हमें अपनी खुद की इमेज और खुद को देखने के तरीके पर बहुत काम करने की जरूरत है। कितनी दफा आप खुद को ये कहते पाते हैं कि आप ये नहीं कर सकते हैं, या आप इसे इस वक्त पर नहीं कर पाएंगे, या आप कोई भी काम इसलिए पूरा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत मुश्किल है। इस तरह का दिमाग बहुत नुकसानदेह है और सिर्फ टालने को बढ़ावा देता है। मैं नहीं कर सकता बहुत नुकसानदेह है, नहीं करता आपको दमदार बनाता है। एक सेंटेंस को सोचें, मैं शराब नहीं पी सकता हूं के मुकाबले मैं शराब नहीं पीता हूं। नहीं करता हूं दिखाता है कि आप किसी काम को ना करने का सोचा समझा फैसला लेते हैं। नहीं कर सकता हूं दिखाता है कि आप वो काम करने के लायक नहीं है, जैसा कि अक्सर नहीं होता है।
खुद को या दूसरों को ये बोलना कि आप नहीं कर सकते हैं, ये दिखाता है कि आप वो काम करना चाहते हैं पर आप मना कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग ये टालने का एक अजीब सॉल्यूशन है। सच ये है कि ये असल में सॉल्यूशन है ही नहीं, ये अपना काम का बोझ दूसरों पर डालना है ताकि आप दूसरे काम कर सकें। तो ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, पर कम से कम काम तो हो रहा है। आउटसोर्सिंग रोज के कामों के लिए सही है जो दोहराए जाते हैं और सिंपल हैं। हो सकता है आप इन कामों में थक चुके होंगे और इनको ना करना चाहें, तो इन्हें किसी और को सौंपना काम करने का एक असरदार तरीका हो सकता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट एक्शन हैबिट्स को याद रखें। किसी भी प्रोजेक्ट को एक साथ ना देखें, सिर्फ अगले छोटे स्टेप पर ध्यान दें। रफ्तार जरूरी है। एक बार आप अपना काम शुरू कर दें तो कंटिन्यू करना आसान है, तो बस शुरू करें। एक यूजफुल टू डू लिस्ट बनाएं जिसमें आप सिर्फ नेक्स्ट एक्शंस लिखें। इससे आप जल्दी आगे बढ़ पाएंगे। 2 मिनट रूल को अपनाएं। अगर किसी काम में 2 मिनट से कम वक्त लगे तो उसे तुरंत करें। टाइम ब्लॉकिंग का इस्तेमाल करें और अपने डेस्क पर बैठकर काम करने के लिए वक्त निकालें। अपने डिवाइसेस को एयरप्लेन मोड पर डालें या उनको स्विच ऑफ करें ताकि आपको पूरे ध्यान से काम करने का वक्त मिले। 10+2×5 मेथड बहुत ही अच्छा तरीका है अपने दिन को बांटने का। 10 मिनट की मेहनत करें, 2 मिनट का ब्रेक लें और फिर से काम शुरू कर दें। डेडलाइंस को एक मोटिवेटर की तरह इस्तेमाल करें, चाहे कोई और उन्हें आपके लिए सेट करे या आप खुद ही। दोहराने वाले और बोरिंग कामों के लिए आउटसोर्सिंग पर विचार करें। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आप इन 17 हैक्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाएंगे और आप जिन चीजों को रोजाना लाइफ में टालते हैं उनसे बच पाएंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके लाइव बुक वर्कशॉप्स की भी बेनिफिट ले सकते हैं। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी फॉलो करें। अगर आप हमसे कोलैबोरेशन या प्रमोशन में हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरे लोगों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।